बदकिस्मती से पिछले कुछ अर्से से हालात की खराबी की वजह से लोगों ने दीवारें ऊंची कर दी, बड़ी बड़ी दीवारें बन गई, उसके सामने बॉम्ब प्रूफ साइलोज लगा दिए, बोरियाँ लगा दी, जिसकी वजह से आवाम के दिलों में एक खौफ सा पैदा होने लगता है और ख़ासकर वो लोग जो बाहर से आते हैं उन्हें लगता है कि शायद हम किसी ख़तरनाक जोन में आ गए हैं। जब से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया तो यहाँ आने से पहले ही, चूँकि मैं क्वेटा का शहरी हूँ, तो मेरे दिल में ये ख्याल हमेशा से मौजूद था कि क्वेटा की जो लुक है वो एक गैरिजन की, एक किला नुमा लुक बन गई है। बदकिस्मती से पिछले कुछ अर्से से हालात की खराबी की वजह से लोगों ने दीवारें ऊंची कर दी, बड़ी बड़ी दीवारें बन गई, उसके सामने बॉम्ब प्रूफ साइलोज लगा दिए, बोरियाँ लगा दी, जिसकी वजह से आवाम के दिलों में एक खौफ सा पैदा होने लगता है और ख़ासकर वो लोग जो बाहर से आते हैं उन्हें लगता है कि शायद हम किसी ख़तरनाक जोन में आ गए हैं, जैसे इराक या कोई और जगह हो जो वॉर जोन होते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम इस लुक को ख़त्म करें, क्वेटा की ब्यूटिफिकेशन के लिए हम काम करें। हमने बच्चों के ज़रिए उस दीवार की पेंटिंग कराई, उससे बड़ा अच्छा माहौल पैदा हुआ। उसके सामने जो राउंड अबाउट है उस पर हमने कुछ लाइटें लगवाईं, कुछ फवारे बनाए, उसका बड़ा अच्छा इम्पेक्ट पड़ा। फिर हमने ये सोचा कि जो साइलोज हैं इनको छुपाने का काम करना चाहिए। तो ये कमिश्नर ऑफिस के सामने जो साइलोज थे, चूँकि यहाँ पर आवाम VIP सबका रूट है ये और सब इसको देखते थे, तो हमने पहले सबसे इसको छुपाने का काम शुरू किया। ये जो पीछे आप पेंटिंग देख रही हैं इसको हमने फ्रेम पर लगा करके वहाँ पर लगा दी, जिससे एक खूबसूरत लुक उभर करके सामने आई, एक खूबसूरत जगह बन गई और अब वो खौफ की बजाय एक अच्छा दिलकश मंजर पेश करती है। हमारा इरादा ये है कि हम बाकी भी जितनी जगहें क्वेटा शहर में, बारी बारी उन सबको छुपा दें और खूबसूरत तरीके से छुपाएँ ताकि अच्छा लुक नज़र आए। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी, सिर्फ बोरियों की बात नहीं हो रही, कोई भी ऐसी जगह जो कि बदनुमा नजर आए उसको या खौफ पैदा करे उनको छुपाने का, खूबसूरत बनाने का, दिलकश बनाने का काम है। ब्यूटिफिकेशन हमारे शहर की हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, हम उसी का काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, यानी जो लोग हैं जिन्होंने कोई उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, हम उनको पेश कर रहे हैं, या ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान का नाम पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं और उनको अच्छा लगता है, और उसके अलावा हमारी कल्चर की चीज़ें यानी नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं और पहाड़ हैं, दरिया हैं, उन सब चीज़ों को हम आगे लेके चलना चाहते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि पॉजिटिव इमेज और पॉजिटिव मैसेज आगे जाए। रिक्वेस्ट ये कि आप इसे ख़राब ना करें, हम तो करते रहेंगे काम, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपकी भी हमारे साथ मदद शामिल होगी तो हमारा काम ज़्यादा कामयाब होगा। बहुत माशाल्लाह अच्छी मैसेज दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने जो पेंटिंग लगाई है इससे बहुत अच्छा चेहरे खूबसूरत हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे क्वेटा खिल रहा है। बहुत बेहतरीन माशाल्लाह इन्होंने एफर्ट उठाया और अभी जो रोड्स भी बना रहे हैं इनसे काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा हमारे सूबे की तरफ से। असल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जिधर भी ये लगी वो एक तो शहर इसे खूबसूरत मालूम हो रही, दूसरी बात ये हर दफ्तर के फ़र्ज़ बन रहे कि वो अपने ऑफिस के सामने इस तरह मतलब वो पिक्चर लगा दे, इससे जो है शहर खूबसूरत होगा। माशाल्लाह बहुत मज़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील होता है ये तस्वीरें देख के, क्योंकि हमारी जो कौम को ऊपर ले जाने वाले लोग हैं उनकी पेंटिंग्स बनाई है, इसीलिए हम बहुत अच्छा लगता है। तस्वीरें जो है ना शहर के अलावा हर एक इस तरह के हर ज़िले में लगनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारे चैंपियन हैं और लोग जो है ना और भी इनकी सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डिस्कवर बलूचिस्तान को और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलिए।